season. I hate it when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow. तो कल कासोल में इतना जोर बारिश हुआ, लगातार एक डेढ़ घंटा रात को बारिश हुआ, उसके बाद आज सुबह मेरे को लगा कि तोस जा नहीं पाएंगे, बट इट्स ऑल गुड नाउ। तो अभी हम लोग ये कासोल उडन कॉटेज छोड़ने वाले हैं एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स तोस। वी आर ऑल सेट रेडी। बाय बाय कासोल उडन कॉटेज, मिलते हैं। तो दिस इज लाइक कासोल बस स्टॉप। अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स बर्शाहिनी, बर्शाहिनी से हम लोग तोस जाएंगे। तो ये जो बस है ये बर्शाहिनी से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस इधर से आएगा और हम लोग को उधर लेके जाएगा। तो राइट नाउ स्मॉल चेंज ऑफ प्लान, हम लोग ये बस से नहीं ये गाड़ी से जा रहे हैं। तो उस तक हम चार लोगों का पड़ रहा है 1200 रुपये। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. वैसे तो कासोल से तोस का डिस्टेंस ओनली 20 किलोमीटर है, एक घंटा लगता है, बट ये पहाड़ों में ऐसा जैम मिलना बहुत कॉमन चीज़ है। 2 बजे के अंदर तो पहुंच ही जाएगा बिकॉज वी स्टार्टेड अराउंड 12:35। बट उससे पहले ये पूरा जगह का व्यू देखो, पीछे पहाड़ों में बर्फ़ गिरा है। ड्राइवर भाई साहब भी वही बोल रहा था कि वेदर थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है तो कभी भी बर्फ़ गिर सकता है, यहाँ तक नहीं बट ऊपर आपको दिखेगा बर्फ़। दिस इज़ द तोस टैक्सी स्टैंड जहाँ तक लास्ट गाड़ी जाता है। हम लोग का भी जाना है ऊपर टुवर्ड्स पिंक फ्लॉयड कैफ़े जहाँ पे हम लोग का बुकिंग है। और अगर आप बस लेके आ रहे हो तो बस का स्टॉप है लास्ट बर्शाहिनी, वहाँ से कैब लेके आपको आना पड़ेगा। तो चलो फिर, ये थोड़ा बहुत तो वॉक करके जाना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द तोस ब्रिज दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यू जस्ट नीड टू वॉक फॉर 30-40 मिनट्स टू एवेल ऑल द कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स, क्योंकि जितना भी यहाँ पे होम स्टे कैफेज है ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आगे जाके ही मिलेगा, पीछे कुछ भी नहीं है। थक गए? बहुत थक गया क्योंकि बैग का वेट बहुत भारी है ना। तो तोस में ऐसे गलियों में चलते हुए आपको बहुत सारा कैफेज और बेकरीज मिलेंगे, ठीक है। तो आप कहीं पर भी बैठ के खा सकते हो। मैडम जी वो पिंक फ्लॉयड कैफे, तो बीच बीच में हम लोग को पूछ के भी जाना पड़ रहा है कौन सा साइड जाओ, क्योंकि बहुत सारा गलियां है यहाँ पे। सो आई कांट पुट इट इन वर्ड्स कि हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स फ्रॉम द पिंक फ्लॉयड कैफे बालकनी। सी ये है टॉप फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बेसिकली, एंड दिस इज आवर रूम। ओ भाई बहुत ही तगड़ा व्यू है, दूर पहाड़ों में एकदम बर्फ़ गिरा है और नीचे कैफ़े है जहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव लंच एंड डिनर। मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। बेसिकली ट्रिपल बेड है, हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं। अभी क्लीनिंग प्रोसेस चालू है, वहाँ पर क्लीन हो रहा है। हियर इज़ द बाथरूम, ये भी बहुत बड़ा है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू स्टे हियर। एंड देखो अभी लंच पे क्या आया है, नटेला पैनकेक। पैनकेक ये नॉर्मल टी मेरा, एंड दिस इज सिंपल लेमन वाटर, लेमन टी सॉरी। यू आर एंजॉयिंग राइट नाउ? ऑसम व्यू। सो बेसिकली इट्स अराउंड 4:30 इन द इवनिंग एंड तोस में अभी सनसेट का टाइम है। इधर से सनसेट हो रहा है, दैट मीन्स वो साइड सुबह हम लोगों को सनराइज देखने को मिलेगा। एंड ये कैफे का जो बैल्कनी है भाई, कॉमन बैल्कनी है बट इट्स वर्थ द हाइप। तो एकदम ऊपर से हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन करेंगे अभी हम लोग। दिस इज़ द कैफे एरिया वेयर पीपल सिट एंड हैव अ चिल। इधर से पूरा वैली का व्यू दिख रहा है एंड ऊपर देखना वहाँ पे हम लोगों का रूम है एकदम टॉप फ्लोर में। सो राइट नाउ इट्स अराउंड 4:35 एंड इट्स लाइक गोल्डन आवर्स फोटो उठाने के लिए, क्योंकि सनसेट ऑलमोस्ट होने को है एंड थोड़ा बहुत लाइट बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करते हैं पहले। बाय द वे शाम को इवनिंग वॉक करते हुए हम लोग अभी आए हैं जर्मन बेकरी एंड कैफे। अभी हम लोग थोड़ा बहुत ब्राउनीज टेस्ट करेंगे, बहुत सारा ब्राउनीज का नाम आप लोगों को दिख रहा है। 120 पर पीस।
चॉकलेट माफिन, कॉफी केक, रम केक सभी है। ट्रस्ट मी वन थिंग आई मस्ट से कि कासोल और लाइक बीड का जो भी व्यू था दैट वॉज लाइक अ ट्रेलर, बट ये तोश में आने के बाद पूरा पिक्चर आपको दिखेगा। दिस इज द शिवालिक रेंज, सनसेट हो चुका है, ठीक है, ये पहाड़ के पीछे सनसेट हो चुका है, बट अभी भी लाइट्स है। इधर और दो तीन रिसोर्ट वगैरह है, इधर एक, उसके पीछे एक और है। ऊपर हम लोग का जो पिंक कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, पिंक फ्लॉयड का व्यू है, दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल, अनमैचेबल। सुबह सुबह कभी सोचा नहीं था कि ब्रेकफास्ट करते हुए हम लोगों को ऐसा व्यू मिलेगा, लाइक दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल व्यू। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना तगड़ा व्यू इधर दिखेगा। ये यहाँ पे मैं बैठ के अभी ब्रेकफास्ट करूँगा, तो इधर से पूरा व्यू देखो और उधर से सनराइज हुआ है, लाइक इससे अच्छा प्लस मेरे को अभी दिमाग पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर बैठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया है। सो आज का प्रोग्राम अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, प्लान है कि थोड़ा बहुत नीचे जाके वॉक करेंगे, थोड़ा इधर नहीं तो उधर जाके आसपास थोड़ा घूम के देखेंगे। और ये बोलते बोलते हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी आ गया, दिस इज़ लाइक चिकन सैंडविच एंड दिस इज़ लाइक नटेला पैनकेक। तो ये ब्रेकफास्ट और ये व्यू, तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से। सो इन द मॉर्निंग आई वाज जस्ट चेकिंग अराउंड द टेम्परेचर, इट वाज शोइंग अराउंड 7-8 डिग्री, रात को इट वाज लाइक 2-3 डिग्री के आसपास। मतलब दिस व्यू इज सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कि इसके सामने मैं कोई भी एडजेक्टिव लगाओ वो छोटा पड़ेगा। वैसे तो हम लोग नीचे डेक पे बैठ के भी खा सकते थे, थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे। I don't wanna know what you think. I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I could become that one for another. सो इट्स वेरी हार्ड यू नो टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी एट तोश। तो मैं और अन्ना अभी निकल रहे हैं टुवर्ड्स मणिकरण, आज रात को ही हम लोगों का बस है टुवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम भुंटर, तो जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइम है, बट चिल करते हुए धीरे धीरे करके नीचे उतरेंगे। बाय बाय पिंक फ्लॉयड एंड ऑल्सो बाय बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस। सो वी हैव रीच्ड एट पिंकी दीदीज कैफे, इसका भी मेरे के पास रिकमेंडेशन था, जब आ रहे हो तोश में तो पिंक फ्लॉयड और पिंकी दीदी जरूर विजिट करना। पीछे जो बैकड्रॉप ब्यूटी है, पूरा शिवालिक रेंज यहाँ से दिखता है, आई थिंक कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है शायद। एंड हियर यू कैन सी पिंकी दीदी द लास्ट रिसॉर्ट। After leaving Pink Floyd Cafe, we are here at another iconic cafe at Tosh, that is Pinky Didi Cafe. And ये है इसका टेरेस रूफटॉप से व्यू, यहाँ पे हम लोग बैठे गए और इधर से पूरा जो माउंटेन रेंजेस है वो सारे विजिबल है। तो यहाँ पे घुसने के टाइम पे लिखा था दिस इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ तोश, तो इसके बाद देख सकते हो कोई भी रिसोर्ट नहीं है ये साइड। लोग यहाँ पे फोटो भी उठा रहे हैं, उसके साथ आप यहाँ पे रह भी सकते हो, रहने का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। अंदर एंट्री के टाइम पे लिखा है कि यू नीड टू पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड, सो आई जस्ट डूइंग दैट थिंग हियर, इट्स टाइम टू गो इनसाइड। अंदर तो पूरा खाली ही है। You don't wanna know if I feel alright.
सो फाइनली वी रीच्ड एट मणिकरण, नोन फॉर मणिकरण टेम्पल एंड गुरुद्वारा। बैकग्राउंड में जो धुआं आपको दिख रहा है दैट इज लाइक कमिंग फ्रॉम नेचुरल हॉट स्प्रिंग, और ये है इसका एंट्रेंस पॉइंट। तो अभी मेन रोड पे गाड़ी छोड़ा है, वहां से आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा और इधर से ये कार पार्किंग के थ्रू आपको मणिकरण के अंदर जाना पड़ेगा। सो एज पर हिंदुइज्म ऐसा माना जाता है कि मानु रिक्रिएटेड ह्यूमन लाइफ हियर एट मणिकरण, तो वहां से इसका नाम हुआ मणिकरण। बट देयर आर लॉट ऑफ बिलीफ दैट कैसे इसका नाम हुआ, वो मैं आपको ब्लॉग पे बताऊंगा। वैसे तो मणिकरण इज सिचुएटेड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो अगर आप आ रहे हो तो लाइक कुल्लू से एग्जैक्ट 45 किलोमीटर, कासोल से 4 किलोमीटर एंड भुंटर से 35 किलोमीटर एंड इट्स वेल कनेक्टेड बाई बोथ बस एंड कैब्स, तो आप दोनों ही ले सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर दिखाने के लिए क्या क्या है। तो इधर से आपको वो तप्त कुंड बहुत क्लोजली दिखेगा, यहाँ से पूरा धुआं निकल रहा है। मैं अंदर गया था, अंदर जाके वो गर्म पानी का कहाँ से आ रहा है वो भी देखा। देयर इज ए नेचुरल जियोथर्मल प्लांट दैट हैज बीन सेट अप इन हियर एंड ये गर्म पानी बहुत गर्म है, मैंने हाथ दिया तो इतना गर्म लगा। तो एक बार क्या हुआ, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती वर वॉकिंग इन दिस वैली, जब पार्वती ने अपना बहुत ही प्रेशस स्टोन है जिसको हम मनी बोलते हैं वो खो गया, ठीक है, यहाँ पे। सो अनेबल टू फाइंड दैट लॉर्ड शिवा बिकम वेरी मच एंग्री, स्टार्टेड टू परफॉर्म कॉस्मिक डांस, जिसके वजह से लाइक इट कॉसेस डिस्टर्बेंस इन दिस एंटायर एरिया। तब जो शेषनाग था, जो लॉर्ड ऑफ सर्पेंट, उसने हेल्प किया एंड ही हिस्ट एंड दैट्स वाई इट गेव अ राइज ऑफ बॉइलिंग वाटर हियर। तो तब से यहाँ का नाम है मणिकरण, क्योंकि यहाँ से पार्वती जी का मनी शिव जी को मिल गया था। तो हम लोग अभी सेफली कासोल पहुंच गए मणिकरण और तोश होके, वही सेम एवरग्रीन कैफे पे ही हम लोग हैं जहां से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था टुवर्ड्स तोश। विद दैट आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज आगे इसके बाद दिखाने के लिए कुछ है नहीं, हम लोग जाएंगे दिल्ली वापस आज ही रात को। सो यहां तक अगर ब्लॉग को देख लिए हो तो लाइक किया बना मत जाना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बिसाइड्स यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम रॉय 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।